जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार मुंबई इंडियंस की जबरदस्त जीत के बाद आखिरकार क्या बोले बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी। कुछ ने दी ऐसी प्रतिक्रियाएं कि कर दिया सबको हैरान। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे इसी खबर के बारे में पूरी डिटेल जानकारी, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस की जीत से खुश हैं तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल 2020 के 20वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से हरा दिया है, जहां पर इससे पहले मुंबई इंडियंस की टीम राजस्थान रॉयल्स से लगातार हारती आई थी। तो वहीं 5 साल के बाद मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कोई मुकाबला जीता है। तो वहीं इसी जीत के साथ मुंबई इंडियंस की टीम अंक तालिका में पहले पायदान पर पहुंच गई है। तो वहीं इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में अपने 4 विकेट होकर 193 रन का स्कोर बनाया था, और जिसके जवाब में राजस्थान रॉयल ने 19वें ओवर में 136 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। तो वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। तो वहीं दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल की शुरुआत बेहद ही खराब रही थी। दरअसल इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ यशस्वी जायसवाल को मौका दिया गया था, मगर वो अपनी पारी के दूसरी ही गेंद पर बोल्ट का शिकार बने और उस समय तक राजस्थान का खाता तक नहीं खुला था। तो इसके बाद क्रीज पर कप्तान स्टीव स्मिथ आए और उन्होंने चौके के साथ टीम का खाता तो खोला, मगर बुमराह ने स्मिथ को आउट कर राजस्थान को 7 रन पर ही दूसरा बड़ा झटका दे दिया था। और इसी के साथ राजस्थान की टीम के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए थे, जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर तारीफ के पात्र हैं जोस बटलर, जिन्होंने आज के इस मुकाबले में अकेले ही दम पर 44 बॉलों का सामना करते हुए 70 रनों की पारी खेली। हालांकि वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके, लेकिन दोस्तों उन्होंने पूरा ट्राई करा। अब तो मुंबई इंडियंस की शानदार जीत के बाद काफी जबरदस्त प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिली है। तो आइए चलिए जानते हैं कि आखिरकार किस खिलाड़ी ने क्या क्या बोला है। तो दोस्तों, यहां पर जो सबसे पहला बयान निकल कर आता है वो है हरभजन सिंह का। जहां दोस्तों हरभजन सिंह कहते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए काफी सारी बधाइयां। बुम बुम बुमराह ने इस मुकाबले में जबरदस्त गेंदबाजी कर मुंबई इंडियंस को जितवाया। और बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ने तो आज के मुकाबले में जो कप्तानी कर दिखाई और जो उनका माइंड सेट था आज के मुकाबले में, वो पूरे भारत ने देखा है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर हरभजन सिंह ने जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा की जमकर तारीफ करी। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगले खिलाड़ी की। तो अगले खिलाड़ी वो है आरपी सिंह। जहां दोस्तों आरपी सिंह लिखते हैं कि बुमराह तेरा क्या कहना, बोल्ट और पैटिनसन ने भी आज के मुकाबले में काफी शानदार गेंदबाजी करी और आज के ही मुकाबले का हम सभी इंतजार कर रहे थे। आज हम सभी को सबसे ज्यादा अटैकिंग पेस देखने के लिए मिला, जिसके चलते आप सभी को आज जीत मिली है। तो आप सभी को ढेर सारी बधाइयां। तो दोस्तों यहां पर आरपी सिंह ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की जमकर तारीफ करी है। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगले खिलाड़ी की। जो अगले खिलाड़ी हैं वो हैं मनोज तिवारी। जी हां दोस्तों, मनोज तिवारी लिखते हैं कि क्या ही शानदार मैच था, शानदार मैच में शानदार गेंदबाजी देखने के लिए मिली हमें जसप्रीत बुमराह की तरफ से। ये तो ऐसे गेंदबाजी कर रहे थे जैसे कि कोई जादू भी खेल रहे हो। जोस बटलर ही एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने आज राजस्थान के फैंस के बीच में होप बनाए रखा, लेकिन अंत में तो एक शानदार कप्तान की ही जीत हुई है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर मनोज तिवारी ने रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह की काफी तारीफ करी है और साथ में उन्होंने जोस बटलर की पारी को भी अच्छा बताया। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगले खिलाड़ी की। जो अगले खिलाड़ी हैं वो हैं वीरेंद्र सहवाग। जी हां दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग लिखते हैं कि क्या करते हो मुंबई वालों, किसी टीम को तो छोड़ दो, हर टीम को हराकर पॉइंट टेबल में नंबर टॉप पर आप सभी आ गए हो, आपको बहुत सारी बधाइयां। और कप्तान रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने आज के मुकाबले में जो गेंदबाजी करी उसका तो क्या ही कहना, और रोहित शर्मा की कप्तानी को भी पूरे 10 में से 10 अंक। तो इसमें दोस्तों यहां पर वीरेंद्र सहवाग ने रोहित शर्मा और पूरी मुंबई इंडियंस की टीम की काफी तारीफ करी है। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगले खिलाड़ी की। जो अगले खिलाड़ी हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर। यहां दोस्तों सचिन तेंदुलकर लिखते हैं कि क्या ही शानदार परफॉर्मेंस किया आपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी से, जो मुंबई की पलटन ने शुरुआत के विकेट निकाले उनका तो क्या ही कहना, उन्हीं के चलते आपने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, बुमराह की गेंदबाजी सबसे ज्यादा शानदार, आपका मुकाबला आज की रात देखकर मुझे काफी मजा आया। इसमें दोस्तों यहां पर सचिन तेंदुलकर ने भी जसप्रीत बुमराह की काफी तारीफ करी, क्योंकि आज के इस मुकाबले में उन्होंने सबसे ज्यादा 4 विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया था। तो इसमें दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है मुंबई इंडियंस की जीत के बारे में, और आप मुंबई इंडियंस के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस ने अपनी विजयी अभियान को जारी करते हुए राजस्थान रॉयल को आईपीएल के 20वें मैच में 57 रनों से शिकस्त दी है। तो वहीं हम आपको बताएं कि जीत की इस हैट्रिक को लेकर दरअसल मुंबई ने करीब 5 साल बाद राजस्थान पर जीत दर्ज की है। तो वहीं इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी और गेंदबाजी के अलावा फील्डिंग भी लाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव की नाबाद अर्धशतकीय पारी के दम पर निर्धारित ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए थे और राजस्थान के सामने जीत के लिए 194
94 रनों का लक्ष्य रखा था, मगर ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक गेंदबाजों के आगे स्टीव स्मिथ की टीम 136 रनों पर ही धाराशायी हो गई और ऐसे में जसप्रीत बुमराह ने आज के इस मुकाबले में 4 विकेट लिए। तो वहीं दोस्तों लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल की शुरुआत बेहद ही खराब रही थी। दरअसल इस मुकाबले में बुमराह और उस समय तक राजस्थान का खाता तक नहीं खुला था। तो इसके बाद क्रीज पर कप्तान स्टीव स्मिथ आए और उन्होंने चौके के साथ टीम का खाता तो खोला, मगर बुमराह ने स्मिथ को आउट कर राजस्थान को 7 रन पर ही दूसरा बड़ा झटका दे दिया था और इसी के साथ राजस्थान की टीम के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए थे, जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर तारीफ के पात्र हैं जोस बटलर, जिन्होंने आज के इस मुकाबले में अकेले ही दम पर 44 बॉलों का सामना करते हुए 70 रनों की पारी खेली। हालांकि वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके, लेकिन दोस्तों उन्होंने पूरा ट्राई करा अपनी टीम को जीत की तरफ ले जाने का, आ चुकी है। तो जैसा कि आप सब यहां पर देख पा रहे होंगे, टॉप के जो पहले नंबर पर बैठी हुई टीम वो है मुंबई इंडियंस की टीम, जिसने अब तक अपने 6 मुकाबले खेले और 6 में से उसने 4 में जीत हासिल करी है और 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और इसी के साथ इसके जो पॉइंट है वो 8 है, तो जिसके चलते मुंबई इंडियंस की टीम पहले नंबर पर बनी हुई है। तो वही बात करें दूसरी टीम की, तो जो दूसरे नंबर पर है वो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जिन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं, 5 में से 4 में जीत हासिल करी है, 1 मुकाबले में हार मिली और इनके जो पॉइंट्स हैं वो 8 हैं। तो वही बात करें तीसरी टीम के बारे में, जो तीसरी टीम है वो है आरसीबी की टीम। जी हां दोस्तों, आरसीबी की टीम इस बार तीसरे नंबर पर है, जिन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं, मुकाबले जीते हैं 3 और हारे हैं 2 और इनके जो पॉइंट्स हैं वो हैं 6, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। तो वही बात करें चौथी टीम की, जो चौथे नंबर पर है वो है केकेआर की टीम, जिन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं और 4 में से 2 में जीत हासिल हुई है और 2 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इनके जो अंक है वो है 4। तो वही बात करें पांचवी टीम की, जो पांचवें नंबर पर टीम आती है वो है सीएसके की टीम। जी हां दोस्तों, सीएसके की टीम भले ही अभी कुछ मैचों पहले सबसे नीचे के पायदान पर थी, लेकिन अब इन्होंने बाजी मारते हुए पांचवा स्थान हासिल कर लिया और ये 4 पॉइंट्स के साथ अब पांचवें नंबर पर बनी हुई है। तो वही बात करें छठी टीम की, जो छठी टीम है वो है सनराइजर्स हैदराबाद, जिन्होंने 5 में से 3 मुकाबले हारे और 2 में जीत हासिल करी है और जो इनके पॉइंट्स हैं वो 4 है। तो वही बात करें सातवीं टीम की, तो दोस्तों जो सातवीं टीम यहां पर आ गई है वो है राजस्थान रॉयल की टीम, जो कि 5 मैच खेलकर 2 में जीत हासिल कर चुकी है और 3 में हार का सामना उसे करना पड़ा है और जो इनके पॉइंट है वो है 4, हालांकि इनका नेट रन रेट काफी कम है। तो वही बात करें आठवीं टीम की, जो आठवीं टीम है इस लिस्ट में वो है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। यहां दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने 5 मुकाबलों में से बस मात्र 1 ही मुकाबले में जीत हासिल करी है और 4 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते इनके जो पॉइंट है वो है 2। तो इसी के साथ किंग्स इलेवन पंजाब की टीम अब 8वें नंबर पर आ चुकी है। बाकी रन रेट वगैरह आप अपनी स्क्रीन के सामने यहाँ पर पूरा देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग के 20वें मैच में राजस्थान रॉयल के खिलाफ मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर अपनी पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम ने मध्यम क्रम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की अर्धशतकीय पारी के दम पर 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर टीम को जीत के लिए 194 रन बना लिए। तो वही हम आपको बताएं कि राजस्थान की टीम ने 10 ओवर में 4 विकेट पर 63 रन बना लिए। तो वही राजस्थान टीम को मुंबई इंडियंस की टीम ने 194 रनों का लक्ष्य दिया। तो वही बात करें मुंबई इंडियंस की पारी की, तो रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक ने मुंबई को अच्छी शुरुआत दिलाई और दोनों के ही बीच में पहले विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी हुई और इस पार्टनरशिप को कार्तिक त्यागी ने तोड़ा और उन्होंने डिकॉक को 23 रन पर बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया और ये कार्तिक त्यागी का आईपीएल में पहला विकेट रहा। तो बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने अपनी पारी के 35 रन बनाए, लेकिन श्रेयस गोपाल ने उन्हें आउट किया और इसके बाद उन्होंने अपनी अगली ही गेंद पर इशारा। तो ऐसे में दोस्तों पिछले मैच में 4 गेंदों पर 12 रन बनाए और जोफ्रा आर्चर की गेंद पर वो श्रेयस गोपाल के हाथों कैच लपके गए। तो वहीं यहां पर सबसे बड़ी पारी खेली मुंबई इंडियंस की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने, जिन्होंने इस मुकाबले में 47 गेंदों पर 79 रन बनाए और जबकि हार्दिक पांड्या ने 19 गेंदों पर 930 रनों की शानदार पारी। तो इस राजस्थान रॉयल की टीम की तो शुरुआत काफी बेकार रही, क्योंकि राजस्थान की आते से ही विकेटें गिरती चली गई। दरअसल पहली 2 गेंद खेलकर यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरा और वो 0 रन बनाकर आउट हुए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, विराट कोहली ने किया प्रोटोकॉल का उल्लंघन, गेंद पर लगाई लार फिर मांगी माफी। जहां दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग मैच के दौरान गलती से गेंद पर लार लगाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दिल्ली के खिलाफ मैच में कोहली ने शॉर्ट कवर पर क्षेत्र रक्षण करते हुए अपनी तरफ तेजी से आती गेंद को रोका और उसके बाद उस पर लार लगा दी और यह घटना दिल्ली की पारी के तीसरे ओवर में घटी, जब सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की तीसरी गेंद को ही ड्राइव किया था। हालांकि तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ था और पिछले सप्ताह राजस्थान रॉयल के बल्लेबाज रोबिन उथप्पा ने भी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ क्षेत्र रक्षण करते समय गेंद पर लार लगा दी, हालांकि अभी कोई एक्शन तो नहीं। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।